दर्शकों को न्यूज़लाइन की पूरी टीम की ओर से ईद मुबारक। ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियाँ, ईद मिटा देती है इंसान में दुरिया। ईद है खुदा का एक नायाब तबारक और हम भी कहते हैं आपको ईद मुबारक। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। गिरिडीह में शहर से लेकर गांव तक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद। सभी मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई ईद की नमाज। सभी ने एक दूसरे को दी ईद की बधाई। अक्षय तृतीया के अवसर पर पुराना जेल परिसर में मनाया गया भगवान परशुराम जयंती। परशुराम समाज के लोग हुए शरीक। और गिरिडीह युवा कांग्रेस ने मनाया ईद मिलन समारोह। सभी ने देश के अमन चैन की दुआ। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में हर्षोल्लास व सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद मनाई गई। विभिन्न ईदगाह मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। सभी ने एक दूसरे का गला मिलकर ईद की बधाइयां दी। शहर के बरवड़ी स्थित ईदगाह के अलावे भंडारीडी मोहनपुर बिशन लाइन मस्जिद बुढ़िया खाद कोल्डिया सिकंदर रायडी तेलुडी समेत विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में भी ईद की सामूहिक नमाज अदा की गई। नमाज के बाद ईदी भी दी गई। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के ईदगाहों में भी ईद की नमाज अदा कर लोगों ने देश में शांति तरक्की सलामती और कौम की खुशहाली की दुआ मांगी। शहर के बरवाडी स्थित ईदगाह में काफी संख्या में जिले भर से गणमान्य लोग ईद की नमाज में शरीक हुए। नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। प्रेम सौहार्द और आपसी भाईचारे का त्यौहार ईद को लेकर ईदगाहों को सजाया सवारा गया था। नमाजियों को कोई असुविधा न हो इसकी विशेष तकित रखी गई थी। अत्यधिक भीड़ होने के कारण ईदगाहों में पालियों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद त्यौहार को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। यूं तो ईद त्यौहार को लेकर पूरा कौम ही उत्साहित था। बच्चे युवा वृद्ध हर तबके के लोग अमीर गरीब ऊंचा नीचा के सारे भेदभाव को भूला नमाज अदा करने ईदगाहों में पहुंचे और सामूहिक नमाज अदा किया। ईद की नमाज अदा कर ईदगाहों से बाहर निकल रहे लोग एक दूसरे को गले मिलकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दिया। इस दौरान शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में जगह जगह ईद मिलन समारोह का आयोजन कर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। ईद त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसे लेकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस महकमा भी काफी मुस्तैद दिखे। सदर SDM विशालदीप खलको, सदर SDPO अनिल सिंह, DSP संजय राणा, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफसिल थाना प्रभारी विनय राम, पुलिस जवानों के साथ सुबह से ही ईदगाहों से इर्द गिर्द मुस्तैद दिखे। आज ईद का दिन है, गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत बधाई और आज एक बहुत खुशी के दिन है। आज हम लोग आपसी जो भाईचारे है इसका एक मिसाल के लिए है। सारे लोग समाज के लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दिए हैं और बरवाड़ी के ईदगाह में एक हिंदुस्तान के अमन और शांति के लिए, देश के अमन और शांति के लिए दुआ की गई। हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश अमन और शांति की ओर रहे, इसकी हम लोग कामना करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। भंडारी स्थित सबसे बड़े ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद भी शरीक हुए और देश में अमन चैन की दुआ की। गिरिडीह जिले के भंडारीडीह स्थित सबसे बड़े ईदगाह में मुसलमानों ने आज ईद की नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ की है। वहीं नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। इस ईद की नमाज में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद शामिल हुए, लोगों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। इस ईदगाह में हजारों मुसलमान इकट्ठा हुए थे और सब साथ मिलकर ईद की नमाज 2 वर्षों के बाद अदा की है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 वर्ष ईद की नमाज ईदगाह में नहीं हो पाई थी। इस वजह से लोगों में काफी उत्साह व हर्षोल्लास देखा गया। आज इस ईद के इस मुबारक मौके पर मैं अपने गांव मोहल्ला और गिरिडीह वासियों को अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक लंबे अरसे के बाद ईदगाह में आज नमाज हुई है और लोग गले मिल रहे हैं। अल्लाह ताला का करम है और ये प्यार मोहब्बत का पैगाम पूरे दुनिया में फैलाता है और इंसानियत का पैगाम है जो हमारे मजहब ने अल्लाह ने भेजा है कि हम उसी वक्त आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं जब हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल कर साथ रहेंगे, साथ पर्व त्यौहार को मनाएंगे, साथ में खाएंगे,
साथ में बच्चों को आगे बढ़ाया। मैं फिर एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई सब। पुराना जेल परिसर में अक्षय तृतीया के अवसर पर दुर्गा माता मंदिर में भगवान परशुराम की विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसमें काफी संख्या में परशुराम समाज के लोग उपस्थित हुए। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर गिरिडीह के पुराना जेल परिसर के दुर्गा माता मंदिर में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव ब्राह्मण नव युवक संघ गिरिडीह के द्वारा भगवान परशुराम का विधिवत पूजन कर मनाया गया, जिसमें परशुराम समाज के लोगों ने पूरे श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ उपस्थित होकर उनका पूजा अर्चना किया, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया और महाआरती में भाग लिया। महाआरती के बाद उपस्थित लोगों और आगंतुकों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने जमकर जयकारा लगाया और अगले वर्ष परशुराम जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया। आज के इस कार्यक्रम में मोतीलाल उपाध्याय, मुकेश पांडे, सुरेश शक्ति, रितेश पांडे, अंकित राज, उज्जवल तिवारी, विशाल तिवारी, संतोष पांडे, अजय पाठक, शुभम झा सहित काफी संख्या लोग उपस्थित रहे। ब्रेक के बाद जल्द खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़ लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहां के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसे एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिस, मुंबई, रिम्स, रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग के विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मोल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको स्टेशन रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगतपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहाँ पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है। लहंगा, चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, सूटिंग शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है
श्री अमरनाथ टेक्सटाइल मगतपुर मेन रोड कालीबाड़ी गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लेक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का एलईडी लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, एलईडी लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, INN नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंडबिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट स्टेशन रोड नियर लाइन मस्जिद गिरिडीह। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनिता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर पचम्बा रोड, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है, तो देर किस बात की। ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक। फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी, किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड, गोसाला मोहल्ला, पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNS DAV Public School, Gyridih, continues to enroll modern facilities, online classes, along with yoga and other physical activities. Strict monitoring of exams, the classes make the students feel the real ambience of the school around. Awarded by the MHRD and with countless honors, the school runs under the able leadership and supervision of renowned educationalist Dr. Praveen Hajra in creating huge records of excellence. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Hostel facilities are available for boys. Registration are open for class 11 from 10th of April 2022 to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So, hurry up and gift a better future to your children. ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है।
यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी गिरिडीह। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक टॉप, नाइटी, करारा सरारा, लहंगा चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1,000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया मगरपुर, सवेरा रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ और खबरों की ओर। गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमे काफी संख्या में गणमान्य लोग शरीक हुए। जिला युवा कांग्रेस की ओर से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा शरीक हुए। सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाइयां दी और सेवैया खाकर मुंह मीठा किया। इस मौके पर सतीश केडिया, अभिजीत राय, भूपेश कुमार, मोहम्मद हसनैन अली सहित काफी संख्या में गणमान्य शरीक हुए। और कितने ऐसे पर्व हैं कि सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। हम लोग जाते हैं और सभी खाने का आनंद लेते हैं, गले मिलकर एक दूसरे के प्यार के इजहार करते हैं। और मैं चाहता हूं कि झारखंड यानी पूरे देश इसी तरह का अमन और शांति कायम रहे और हंसी खुशी के साथ हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी भाई इस पर्व को मनाएं। आज समस्त प्रदेशवासियों को, गिरिडीह वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों मुबारकबाद। आज देश में जिस तरह का माहौल है उस माहौल में इस तरह का आयोजन जिला गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जा रहा है, जिसके लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हसनैन अली को ढेरों बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया। क्योंकि आज देश में एक समा बनाया जा रहा है, सत्ता हासिल करने के लिए नफरत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उसमें इस तरह का आयोजन बहुत ही प्रशंसनीय है जिससे बहुत सद्भावना का माहौल बना रहता है। आज गिरिडीह युवा कांग्रेस की ओर से ईद मिलन समारोह रखा गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष आदरणीय नरेश वर्मा जी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय सतीश केडिया जी, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आलमगीर आलम साहब उपस्थित हुए और हम सभी मिलकर गले मिलकर खुशी का इजहार किया और सेवैया खाकर एक दूसरे के साथ खुशी बांटकर इसको मनाया। और साथ ही ये पूरे समाज को, पूरे हम लोग अपने ओर से ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हम लोग सब एक हैं और एकता के प्रतीक इस पर्व को मनाएंगे। मड़वाली युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गौशाला में गाय को रोटी खिलाई गई।
साथ ही चार महिलाओं को साड़ी देकर सम्मानित किया गया। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गौशाला में पहली रोटी गाय की कविता रजगड़िया के सौजानी से खिलाई गई। साथ ही गौशाला में रोटी बनाने वाली चार महिलाओं को साड़ी देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम अध्यक्ष अर्चना केडिया के नेतृत्व में हुआ, जिसमें सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया, कविता रजगड़िया, संगीता अग्रवाल, सरिता मोदी, रीमा अग्रवाल, नेहा तुलसियान, सीमा झुनझुनवाला, रेखा संथालिया, विनीता खेतान, पूनम केडिया, प्रतिरक्षा खंडेवाल इत्यादि मेंबर मौजूद थे। भरी गर्मी को देखते हुए प्रेरणा शाखा ने एक कदम उठाया है कि हम जगह जगह प्याऊ लगाएंगे। तो आज से अक्षय तृतीया बहुत अच्छा दिन है, तो आज के दिन से शुरुआत की गई है। तो आज मेरे घर के सामने उसका उद्घाटन किया गया। हम आगे और भी प्याऊ लगाने वाले हैं, सब अस्थायी प्याऊ ही लगाएंगे। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा की ओर से आज हमने एक स्थायी प्याऊ लगाया अमृत धारा के तहत। ये हमारा आज प्रथम चरण था। हम और भी 15 जगह ऐसे स्थायी प्याऊ लगाने की जिम्मेदारी ली हमने, और हमारी पीएसडी रचना के लिया रिया अग्रवाल और पूनम चिरानी ने बहुत सहयोग दिया, और हमारी सभी प्रेरणा शाखा के जो भी हमारे साथी थी सबने मेरा बहुत ज्यादा सहयोग दिया, धन्यवाद। जैनियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुबन में मंगलवार को आचार्य बिशद सागर महाराज का 13 पंथी कोठी में स्वागत किया गया। इस मौके पर जैन समाज के कई लोग उपस्थित हुए। पीठ गांठ जैनियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुबन में मंगलवार को परम पूज्य आचार्य 108 विराग सागर महाराज के शिष्य आचार्य 108 विशद सागर महाराज सासंग का मंगलवार प्रवेश दिगंबर जैन 13 पंथी कोठी में गाजे बाजे के साथ हुआ। मधुबन जैन समाज के मंत्री अतुल जैन ने बताया कि आचार्य का मधुबन जयंती के पूर्व गिरिडीह के जैन मंदिर मंगलवार को प्रवेश हो चुका था। तत्पश्चात आचार्य ने अपने संघ के 5 पिछीधारी को साथ लेकर शनिवार को गिरिडीह जैन मंदिर से रवाना होकर मंगलवार को समेत शिखर की पावन धारा में प्रवेश किया। पैदल सत्संग का स्वागत मधुबन जैन समाज के द्वारा गाजे बाजे के साथ सिद्ध्यातन के समीप मुख्य मार्ग पर कतारबद्ध खड़े होकर किया गया। मौके पर जैन समाज के अध्यक्ष सतेंद्र कुमार, जैन महामंत्री मनोज जैन, विनोद जैन, अतुल कुमार, अभिषेक जैन, अनूप जैन आदि लोग उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। फिर से आप सभी दर्शकों को न्यूज़ लाइन की पूरी टीम की ओर से ईद मुबारक।